Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this video, I am going to discuss a comedic play which is written by Oliver Goldsmith and that is She Stoops to Conquer. So this is our unit number 6 of BA 3rd Sum English and this play was an optional uh, in your uh, labor, so that's why I didn't cover it earlier but uh, some of you were asking for the play that's why today we are discussing it. So let's start the video. And before starting the summary, I will tell you about uh, the writer and then we will discuss about the characters and then we will go through the summary act-wise. So basically, She Stooped to Conquer is written by Oliver Goldsmith and it is a five-act based comedic play. It means there are total five acts in this play and uh, there are pro uh, prologue and epilogue in this play. Uh, play and what is prologue and epilogue we have already discussed in literary terms so this act or this play was first performed in 1773 in london okay now we will move to the characters so uh, basically there are main six characters but we will discuss about all of them so the main character is mr hardcastle and mrs hardcastle and tony lumpkin चार्ल्स मार्लो सर चार्ल्स मार्लो मिस केट हार्डकासल जॉर्ज हेस्टिंग्स एंड मिस कॉन्स्टेंस नेवल तो एक एक करके हम बात करेंगे इन सभी कैरेक्टर्स की तो देखिए जो हमारा प्ले है मेनली uh, जो इसमें हमारे कैरेक्टर्स हैं मिस्टर हार्ड कासल एंड मिसेस हार्ड कासल तो ये मिस्टर हार्ड कासल और मिसेस हार्ड कासल की एक बेटी है जिसका नाम है केट हार्ड कासल और यहाँ पे इनका एक बेटा है टोनी लुम्बकि देखिए बाकी सबके सरनेम में आपको हार्ड कासल लिखा हुआ मिल रहा है बट टोनी के सरनेम में ऐसा नहीं है क्योंकि जो टोनी है वो इनका नाजायज बेटा है मिसेस हार्ड कासल का ठीक है उसके बाद हम बात करें चार्ल्स मार्लो की और सर चार्ल्स मार्लो की तो ये जो सर चार्ल्स मार्लो हैं ये मिस्टर हार्ड कासल के दोस्त हैं और जो चार्ल्स मार्लो है वो मिस्टर हार्ड कासल का बेटा है सॉरी जो सर चार्ल्स मार्लो है उनका बेटा है चार्ल्स मार्लो जो कि केट को देखने के लिए आने वाला है और जो यहाँ पे जॉर्ज हेस्टिंग है आ, ये जो हमने देखा इसमें एक मिसेस हार्ड कासिल की भतीजी है निविल उनका बॉयफ्रेंड है ठीक है तो ये हो गए हमारे कैरेक्टर्स अब सॉमरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्ले या आ, मतलब बी ए फर्स्ट सेम सेकेंड सैम या किसी भी सैम के अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और तो सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर बनी हुई है तो प्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्ट वन की समरी सो एक्ट वन बिगिंस विद द कैरेक्टर मिसेस मिस्टर हार्डकासल। सो ही हैज चूजन अ हस्बैंड फॉर हिज डॉटर केट वो हम लीदर ऑफ देम हैव मेट मींस यहाँ पर मिस्टर कास्टल uh, ने मिस्टर हार्डकासल ने अपनी डॉटर केट के लिए एक हस्बैंड uh, चुना था मतलब उनका एक दोस्त है जिसके बेटे को उन्होंने अपनी बेटी के लिए चुना है लेकिन उस इंसान से जिससे वो केट की शादी कराने वाले हैं मिस्टर हार्ड कासल और मिसेस हा, हार्ड कासल में से किसी ने भी उसको देखा हुआ नहीं होता है जो मिस्टर हार्ड कासल के दोस्त हैं जिनका नाम है चार्ल्स मार्लो तो मिस्टर चार्ल्स मार्लो का ही बेटा है यहाँ पर चार्ल्स मार्लो जो कि केट को देखने आने वाला है तो देखिए जो केट है वो अपने मतलब पापा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उनके लिए वो हमेशा मतलब कुछ भी करने के लिए रेडी रहती है तो क्योंकि ये लंदन में रहने वाली एक फैमिली है और जो मिस्टर हार्ट कासल है वो काफ़ी एक सीधे साधे से व्यक्ति हैं और एक छोटे से घर में जो उनका घर है वो बिल्कुल एक पब और क्लब जैसा नज़र आता है उस घर में रहते हैं और जो उनकी डॉटर है वो लंदन में रहते हुए भी एक बहुत ही साधारण से कपड़े पहनती है क्योंकि उसके जो फादर हैं उनको बहुत ज़्यादा फैशन पसंद नहीं है तो जब भी वो घर पे रहती है तो बहुत साधारण से कपड़े पहनती है जिसको देखकर कर के लगता है कि जो बार में काम करने वाली मेड्स होती हैं वो कुछ उस टाइप की नज़र आती है और जब भी, भी वो घर से बाहर जाती है तब भी वो कुछ अच्छे से कपड़े पहन लेती है और देखिए बस इनको इतना पता है कि जो लड़का कैट को देख केट को देखने आने वाला है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और क्योंकि उनके दोस्त का जो स्वभाव है वो काफ़ी अच्छा है तो उनको लगता था वो भी कोई जेंटलमैन होगा जो कैट को देखने आएगा और दूसरी तरफ इनका जो बेटा है टोनी तो वो देखिए टोनी का कैरेक्टर अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा जिसको ख़राब दिखाया गया है कि उसको नशे की लत है वो पब्स में क्लब्स में घूमता रहता है और दिन भर यहाँ वहाँ घूम के अपना वक्त बर्बाद करता रहता है और अपने पापा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है जो उसके मतलब सगे फादर नहीं है जो मिस्टर हार्ड कासल है हार्ड कासल को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और हमेशा वो तरीके ढूंढता रहता है कि किस तरीके से इनको और ज़्यादा परेशान किया जाए ठीक है तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी स्टोरी का जो मेन पार्ट आता है मतलब जो केट को देखने के लिए मार्लो और हेस्टिंग्स आने वाले थे तो देखिए मार्लो और हेस्टिंग्स को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी किट केट का केट का घर कहाँ पे है तो वो उनको ढूंढते ढूंढते घूमते फिरते उनको रात हो जाती है तो वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें कहीं ना कहीं पर रुक जाना चाहिए तो वो जाते हैं क्लब में और क्लब में उनको मिलता है वहाँ पर टोनी जो कि वहाँ बैठ करके शराब पी रहा होता है और वो लोग टोनी से पूछते हैं कि क्या उसको पता है कि यहाँ पे मिस्टर हार्ड कैसिल का घर कहाँ पे है तो टोनी को लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है अपने फादर को परेशान करने का तो टोनी को पता था कि टोनी के घर के बारे में ही वो लोग उससे पूछ रहे हैं बट फिर भी टोनी उनको बताता है कि देखो यहाँ तुम्हें कोई घर तो नहीं लेकिन मैं तुम्हें एक रहने की जगह बता सकता हूँ आगे मतलब वो अपने घर का एड्रेस बताता है उनको और कहता है कि वो एक बहुत अच्छा पब है और अगर आप उसमें जाओगे तो वो लोग तुम्हें बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे तुम कोई उनके मेहमान हो या उनके सगे संबंधी हो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे और वहाँ पे काफ़ी सारे सर्वेंट आपको मिल जाएंगे एक वहाँ पे आपको मेड नजर आएगी जो कि नेचर वाइज बहुत स्वीट है और वो बताता है कि जो मिस्टर हार्डकासल और मिसेज हार्डकासल हैं उनका एक बेटा है जो कि बहुत अच्छा है मतलब वो अपनी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और दूसरी तरफ अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा वो बुराइयाँ करता है तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एक्ट टू सो इन एक्ट टू हार्ड कासल गैदर्ड हिज सर्वेंट्स हु आर फार्म हैंड एंड एक्सप्लेन दैट ही इज एक्सपेक्टिंग अ विजिट फ्राम हिज फ्यूचर सान इन लॉ तो मेनली यहाँ पे मिस्टर हार्ड कासल ने अपने सर्वेंट्स को बताया होता है कि आज उनका जो फ्यूचर सान इन लॉ है वो आ सकता है जिसका नाम है मार लो तो उसने अपने सर्वेंट्स के से कहा कि आप काफ़ी अच्छे से उसके साथ बिहेव करेंगे वो एक जेंटलमैन है आप uh, मतलब कन्फ्यूज ना रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करें कि उसको यहाँ पर आकर के अच्छा फील हो तो मीन वाइल ऑन द वे टू हार्ड कासल्स हाउस विच ही थिंग्स इज़ एंड इन इन मीनस से यहाँ पे पब तो जब आ, मार्लो और उसका फ्रेंड मतलब मार्लो और हेस्टिंग्स आते हैं तो उन दोनों को लगता है कि वो किसी पब में आए हुए हैं जैसा कि उनको टोनी ने बताया था तो मार्लो वहाँ पर आकर के मतलब काफ़ी ज़्यादा शाई फील करता है और जब उसने केट को देखा क्योंकि केट बहुत साधारण से कपड़ों में थी और इस तरीके से कपड़े उसने पहने हुए थे कि उसको देख लगता है कि उस इनमें या पब में काम करने वाली वो कोई लेडी है और यहाँ पे मार्लो का मतलब मार्लो के कैरेक्टर के बारे में एक अजीब सी बात है कि जब भी भी वो किसी नॉर्मल मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड अगर लड़की से बात करता है तो वो बात करते टाइम बहुत ज़्यादा घबराता है और टुतलाने लगता है हकलाने लगता है वो सही से नहीं बोल पाता है बट जब भी किसी सिंपल स्वीट या शाई नेचर की लड़की को वो देखता है तो वो उनसे जनरली बात कर लेता है तो जब यहाँ पर वो कैट को देखता है तो कैट उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो उससे बातचीत ओपनली कर लेता है बट जब कैट ने मतलब उसके फादर के सामने तो काफ़ी सिंपल से कपड़े पहने हुए थे बट जब वो चेंज करती है वो कुछ मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है तो जो मार्लो है वो फिर से घबराने लगता है फिर से अच्छे से बात नहीं करता है अब जो मार्लो और हेस्टिंग्स थे क्योंकि वो ये सोच कर कि उस घर में आए हुए हैं कि वो किसी पब में है वो किसी इनके अंदर है तो अब देखिए क्योंकि मार्लो को और हेस्टिंग को लग रहा है कि वो किसी पब में आए हुए हैं और वहाँ के पब के ओनर और सर्वेंट्स ही हैं तो वो काफ़ी रूडली बिहेव करता है मतलब हैस्टिंग्स ने और मार्लो ने वहाँ के लोगों के साथ बहुत रूडली बिहेव किया जिसको देख करके उसके फादर को काफ़ी मतलब अजीब सा फील होता है कि उनको लगता था कि उनके दोस्त का नेचर तो काफ़ी अच्छा है पर ये दोस्त का जो बेटा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा रूड है अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है ये शायद हमने स्टोरी में पहले डिस्कस नहीं किया है बट जो मिस्टर हार्डकासल और मिसिज हार्डकासल हैं उनके बेटी केट और टोनी बेटे टोनी के अलावा उनके साथ एक कैरेक्टर और रहता है जो उनकी भतीजी है जिसका नाम है नेवल तो देखिए नेवल को पालने का या उसको रखने का उसकी शादी तक का सारा जो जिम्मा था वो मिसेज़ हार्ड कासल के ऊपर ही था और देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो उनकी भतीजी है नेवल उसकी काफ़ी सारी जो ज्वेलरी है वो मिसेज हार्डकासिल के पास है और वो ज्वेलरी नेवल को तभी मिल सकती है जब उसकी शादी हो जाएगी तो अभी जो मिसेज हार्डकासल है वो काफ़ी कनिंग लेडी हैं तो उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि जो केट है वो तो शादी करके घर से चली जाएगी और उनका जो बेटा है टोनी टोनी की शादी वो करा देंगी नेवल से जिससे कि वो ज्वेलरी उनको नेवल को ना देनी पड़े वो ज्वेलरी उनके घर की घर में ही रह जाए अब देखिए टोनी के जो फादर हैं मतलब जो उसके सगे फादर नहीं हैं जो उसके स्टेप फादर हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ था क्योंकि वो टोनी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे कोई जब तक टोनी एटीन इयर्स का नहीं हो जाएगा तब तक वो कंटिन्यूसली उसको पॉकेट मनी भेजते रहेंगे और यहाँ पर बात यह है कि जो टोनी है वो ऑलरेडी 18 प्लस हो चुका है बट उसकी मॉम ने ये बात छिपा करके रखी है जिससे कि उसके फादर को वो ट्रैप करती रही और क्योंकि आगे फिर ही होता ही है कि क्योंकि जो टोनी है वो भी नेवल से शादी नहीं करना चाहता और नेवल भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी उसके पीछे रीज़न ये था कि जो नेवल है वो किसको पसंद करती थी वो हैस्टिंग्स को पसंद करती थी अब जब हेस्टिंग्स को और मार्लो को काफ़ी टाइम हो चुका है उस घर के अंदर तो अब एक्सीडेंटली वो जाकर मिलता है नेवल से और नेवल को वहाँ पर देख जो हैस्टिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइज हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है और नेवल भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ थी कि उसका जो बॉयफ्रेंड है हेस्टिंग वो यहाँ पर कैसे आया फिर वो उससे पूछती ही है मतलब तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो तभी नवल ने उसको बताया कि वो उसी का घर है और वो कोई इन या वो कोई पब नहीं है ये हार्ड कासल का ही घर है तो अब यहाँ पे हेस्टिंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि जो मार्लो है उसको अभी तक ये चीज़ नहीं पता है कि वो केट के ही घर में और वो केट को देखने ही आया था और जिसको क्लब समझ के वो जिसमें रुके हुए हैं जिसको एक इन समझा हुआ है उन्होंने वो मिस्टर हार्ड कासल का ही घर है नाउ शी नाउन वॉन्ट टू अबेंडन हर इनहेरिटेंस बट प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी ज्वेलरी जो उसकी ज्वेलरी उसकी मतलब मिसेस हार्डकासिल के पास है वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है तो यहाँ पे जो मार्लो है उसने मतलब मार्लो को तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है वो एकदम फॉर्मली सा कर रहा है तो जो हैस्टिंग है उसने डिसाइड किया और नेवल से कहा कि वो दोनों भाग चलते हैं और वहाँ से शादी कर लेते हैं बट नेवल ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से नहीं छोड़ेगी लेकिन जो कैट है वो और जो मार्लो है वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे हैं तो वो सबको छोड़ने के लिए तैयार थी इसीलिए स्टोरी का टाइटल शी टूप टू कॉन्क्यूर रखा गया है कि वो जीतने के लिए झुकने को भी तैयार थी अब उसने प्लान बनाया कि वो पूरी की पूरी ज्वेलरी किस तरीके से वहाँ से निकलवा सकते हैं अब देखिए क्योंकि जो टोनी है उसको भी शादी नहीं करनी थी और फाइनली टोनी अपने स्टेप फादर से मिलता है और उसको पता चलता है कि उसके स्टेप फादर तो उसके लिए इतना कुछ करते हैं बट उसकी मॉम ने ही उसको बिगाड़ा हुआ है तो अभी टोनी ने डिसाइड किया कि वो किस तरीके से नेवल की और मार्लो की हेल्प करेगा क्योंकि उसमें टोनी का बेनिफिट था कि अगर नेवल चली जाती है तो उसको उस शादी से छुटकारा मिल जाएगा और फाइनली उसको अपनी मॉम की भी सारी सच्चाई पता चल जाती है तो अब यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि जो टोनी होता है वो किसी न किसी तरीके से अपनी मॉम से वो ज्वेलरी चुरा लेता है जो उसको किसको देनी थी नेवल को देनी थी तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है एक्ट थ्री मतलब ये सारी चीज़ें जो मार्लो ने मार्लो के बीच में नेवल के बीच में और टोनी के बीच में बातचीत हो रही है मतलब नेवल ने ही बताया मार्लो को कि जो टोनी है उसने यहाँ पर गेम खेल दिया है और उसने तुम लोगों को घुमा दिया है और जहाँ तुम पहुँचना चाहते थे वहीं पहुँचा दिया है बट एक गलत इंफॉर्मेशन के साथ में बट क्योंकि फाइनली टोनी को भी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो वो भी केट और मार्लो के इस डिसीजन में शामिल हो जाता है कि किस तरीके से वो अपनी मॉम से वो ज्वेलरी निकलवा लेगा तो अभी वो जो ज्वेलरी है वो टोनी के पास है टोनी उस ज्वेलरी को लेकर के दे देता है किसको जो चार्ल्स चार्ल्स है मतलब जो केट का हस्बैंड है उसको वो सारी ज्वेलरी दे देता है जो कि हमारा कौन है चार्ल्स मार्लो है तो अभी सारी ज्वेलरी पहुंच जाती है मार्लो के पास अब मार्लो सोचता है कि इस ज्वेलरी का क्या किया जाए क्योंकि वो ज्वेलरी चाहिए थी हेस्टिंग्स को और नेवल को तो मार्लो को लगता है कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन है जिस जिसपे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो कौन है मिसेज हार्ड कासल है तो मैं ये सारी ज्वेलरी उन्हीं को दे देता हूँ तो घुमा फिरा के जो जो ज्वेलरी टोनी ने चुराई थी वो वापस से किसके पास पहुँच जाती है मिसेज हार्ड कासल के पास पहुँच जाती है क्योंकि देखिए जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं मतलब जो कैट है अभी उसको तो ये चीज़ पता चल चुकी है कि चार्ल्स माल्डो और जॉर्ज हेस्टिंग्स वही हैं जो उसको देखने के लिए आए थे लेकिन अभी तक जो स्टोरी में हमारे पास हेस्टिंग्स है उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है मतलब हेस्टिंग अभी नहीं जानता है कि वो जिस घर में है या जिसको वो इन समझ रहे हैं वो मिसिज हार्ट का ही घर है अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारी ये होती है अब जो ज्वेलरी टोनी ने ला करके दी थी किसको मार्लो को मार्लो ने वो ज्वेलरी वापस किसको दे दी होती है मिसेस हार्ड कासिल को क्योंकि उसको अभी तक नहीं पता है कि जिस घर में वो हैं वो मिस्टर हार्ड कासिल का ही घर है तो वो ये सोच करके कि वो किसी सर्वेंट को सेफली रखने के लिए दे रहा है वो ये सोच करके वो जो ज्वेलरी है वो वापस से उसके पास चली जाती है और सर्वेंट ने वो ज्वेलरी दे दी होती है मिसिज हार्ड कासल को देन मार्लो इज़ द माइड्स ऑफ टेलिंग हैस्टिंग्स अबाउट द बारमेड ही फैंसिस हु इज़ एक्चुअल केट अब यहाँ पर जो उसका दोस्त है जो कि कौन है जॉर्ज हैस्टिंग वो चार्ल्स मार्लो को बता देता है कि जो केट है वो वही डॉटर है वो कोई बालमेड़ नहीं है तो फाइनली सबको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो कि है हमारी फोर्थ एक्ट की एंडिंग है मान लो को जब रियलाइज़ होता है कि जिस घर में वो है वो हार्ट का का ही घर है तो काफ़ी ज़्यादा उसको दुख भी होता है क्योंकि उसने ऑलरेडी ड्रिंक किया हुआ था जो कि उसके सर्वेंट के फोर्स करने पर उसने किया था और फिर उसको फील होता है कि केट के फादर के सामने उसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी क्योंकि उसने बहुत रूडली सबके सामने बिहेव किया है तो वो सोचता है कि पता नहीं उसके फ़ादर अब उसको अलाउ करेंगे केट से शादी करने के लिए या नहीं करेंगे अब दूसरी तरफ टोनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसको अपनी मॉम की जो सारी सच्चाई है वो पता चल चुकी है तो अब वो डिसाइड करता है कि क्या किया जाए तो यहाँ पर उसको एक आइडिया आता है कि वो अपनी मॉम से इस चीज़ का बदला लेता है तो उसने कैरीआउट यहाँ पर प्रिपेयर कराया था किसके लिए आ, जो नेवल है नेवल के लिए और हेस्टिंग्स के लिए कि नेवल और हेस्टिंग्स भाग जो वो ये चाहता था जिससे कि उसको नेवल से शादी ना करनी पड़े दूसरी तरफ जो चार्ल्स हैं और जो केट हैं उनकी भी शादी की बात चीज़ यहाँ पर हो जाती है मतलब वो दोनों अग्री कर जाते हैं उनकी फैमिलीज भी मान जाती हैं दूसरी तरफ मिसेज़ हार्ट कासल को जो टॉप टोनी लमकिन है वो लेकर के जाता है और काफ़ी देर तक उनको घुमाता रहता है और काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान करता है और जिसके बाद फाइनली उनको भी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ वो गलत थी मतलब टोनी काफ़ी अच्छा है लेकिन उसको बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है मिसिस हार्ड कासल का ही है तो एक्ट फाइव में जाकर सारी चीज़ें एकदम ठीक हो जाती हैं जो हार्ड कासल फैमिली है वो अलाउ कर देती है मार्लो को और केट की शादी के लिए ठीक है मिस्टर मार आ, मार्लो मतलब जो चार्ल्स मार्लो है उसकी शादी केट से हो जाती है और जो यहाँ पर नेवल है नेवल की शादी हेस्टिंग से हो जाती है और यही इस एक्ट की क्या थी हैप्पी एंडिंग थी क्योंकि फाइनली घुमा फिरा के सबको अपनी अपनी गलतियाँ रियलाइज हो जाती हैं और किसी ने किसी से मतलब किसी भी तरीके का कोई भी विरोध टाइप नहीं रखा है किसी के मन में भी किसी को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं है बट एक इसमें जो कैरेक्टर्स को अगर हम डिफाइन करें तो जो केट है वो मतलब आ, अपनी शादी किससे कराने के लिए मान लो से कराने के लिए झुकने को तैयार हो जाती है कि उसको क्योंकि सीधी साधी लड़कियाँ पसंद है उसको स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड वाली लड़कियाँ नहीं पसंद है तो वो उसके लिए काफ़ी सिंपल रहने का डिसाइड करती है और उसके लिए सब चीज़ें सीखने का वो डिसाइड करती है अब दूसरी तरफ जो नेवल है वो अपनी ज्वेलरी को नहीं छोड़ना चाहती थी चाहे उसको हेस्टिंग्स को छोड़ना पड़े तो यही दोनों के कैरेक्टर में एक छोटा सा डिफरेंस है जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है अब किट भी अपनी फाइनल आइडेंटिटी उसको बता ही देती है और दोनों की शादी हो जाती है और जो मिसेज हार्ट है उनको भी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है अब टोनी भी यहाँ पे सुधर जाता है ये जानने के बाद कि उसके फादर गलत नहीं थे फादर के बारे में वो गलत सोचा करता था बट एक्चुअल में जो आ, उसको बिगाड़ने के पीछे रोल था वो उसकी मदर का था तो इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से